गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल। दिस सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर थर्ड क्लास, और आज हम करेंगे अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इनटू प्रॉपर सेंटेंस। हमें वर्ड्स दे रखे हैं, उसे क्या करना है, प्रॉपर सेंटेंस में करना है, मतलब इसको अरेंज करके सही तरीके से करना है इन वर्ड्स को, ठीक है। तो हमें वर्ड्स दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए पहला लिखा है लवली, फिर आ, फिर फ्लावर, फिर द, फिर इज, फिर लोटस। इसे कैसे करेंगे, द लोटस इज अ लवली फ्लावर। जो लोटस होता है, जो कमल का फूल होता है, क्या होता है, लवली होता है, ठीक है, प्यारा होता है। बी है हमारा सोनू, फिर प्लेइंग, इज फुटबॉल, द प्ले ग्राउंड, लास्ट में इन। तो बच्चों इसको हम करेक्ट करेंगे तो ये हमारा होगा सोनू इज प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। जो सोनू है वो कहाँ खेल रहा है फुटबॉल से, प्ले ग्राउंड में खेल रहा है, ठीक है। सी है ब्रेवली फॉट इंडियन सोल्जर। इसे सही करेंगे तो क्या होगा, इंडियन सोल्जर फॉट ब्रेवली। जो इंडियन सोल्जर होते हैं क्या कहते हैं, ब्रेवली, लड़ते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं। डी है हार्ड अबे स्टडीज, गलत है, इसको सही करेंगे तो होगा अबे स्टडीज हार्ड। जो अबे है क्या करता है, कठिन पढ़ाई करता है। यहाँ पे है वाइट मिल्क इज, गलत है, सही तरीके करेंगे तो होगा मिल्क इज वाइट, दूध दूध कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। ईस्ट, फिर है इन द सन द राइजेज, तो ये गलत है, इसको सही करेंगे तो होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन राइजेज की साइड होता है, ईस्ट की साइड होता है, ठीक है। वुमेन आर दे ब्यूटीफुल, गलत है, तो इसको सही करके लिखेंगे दे आर ब्यूटीफुल वुमेन्स। जो महिलाएं हैं वो कैसी है, सुंदर है, ठीक है, महिलाएं सुंदर है। होली वेदास द आर स्क्रिप्चर्स आर, तो इसको सही करेंगे द वेदास आर आवर होली स्क्रिप्चर, जो हमारे शास्त्र होते हैं वो पवित्र होते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा आई स्विमिंग, फिर लिखा है पुल, फिर इन, फिर चिल्ड्रन, फिर द, फिर आर, ठीक है। तो हमें इसको सही करके लिखना है तो होगा चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पुल। बच्चे कहाँ तैर रहे हैं, स्विमिंग पुल में तैर रहे हैं, ठीक है। आई लव, आई ट्रस्ट एंड यू, मतलब ये गलत है, आप इसको सही करके रखोगे तो क्या होगा, आई लव, फिर होगा एंड, फिर ट्रस्ट यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड विश्वास करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कॉपी में करना है, ये आपका वर्क है, और इसको पढ़ना भी है और रीड भी करना है, ओके।